प्रधानमंत्री आवास योजना 22-23 और 23-24 का एक रुपये भी नहीं आया केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए 2022-23 के पैसे की बात है तो जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को नहीं मिलता है तब तक फिर अगला भुगतान नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कि पूर्व में जो भी पैसा आया सरकार ने जो भी राशि दिया था भारत सरकार को उसमें क्या भागीदारी था, राज्य सरकार के क्या भागीदारी, भारत सरकार के जो कुल पैसा आया उससे तो वहाँ अभी तक में काम हुआ, लेकिन राज्य सरकार के जो पैसा लगाना था वो पैसा अभी तक ये लोग नहीं लगा पाया, जिसके कारण यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है। इसके कारण आम जनता जिनका बहुत सारे मकान आज भी ऐसे हैं जिसका 50% वर्क हुआ और 50% अभी छत की ढलाई नहीं हो पा रहे हैं, कारण गरीब ठंड में सिकुड़ रहे हैं, ठंड से एकदम बेहाल है, लेकिन राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं। अब एक नई बात निकाली है अबुआ आवास। अबुआ आवास में क्या कहा गया है कि 2 लाख रुपया का आवास मिलेगा आपको 3 रूम का, तो 3 रूम का आवास दीजिएगा। पूर्व में जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में था कि शौचालय उसके साथ में जुड़ा हुआ था, किचन था, पानी की सुविधा भी मिल रहा था, बिजली भी मुफ्त उसको कनेक्शन मिल पा रहा था, लेकिन इनका सिर्फ 3 आवास दिया जाएगा। शौचालय का पैसा भारत सरकार देगी, पानी का व्यवस्था भारत सरकार करेगी, तो आप कर क्या रहे हो? सिर्फ आप ये रूम का जो बोल रहे हैं 3-3 आवास दीजिए, इतना इतना आवेदन प्राप्त हो रहा है, हमें तो नहीं लग पा रहा है कि राज्य सरकार इस पर आवास की प्रक्रिया पूर्ण कर पाएगी।